तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के कमाल के एक नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सएप के तीन नए अपकमिंग फीचर के बारे में, जिसके बारे में मार्क जॉकबर्ग ने खुद ही आज ट्वीट करके बताया, जिसमें उन्होंने तीन नए प्राइवेसी फीचर को रोल आउट करने के लिए बोला है। अभी रोल आउट नहीं हुए, मतलब आने वाले टाइम पे ही रोल आउट हो जाएंगे, बट उन्होंने तीन फीचर के बारे में बताया जो कि बहुत ही काम के हैं। आज के समय में बहुत काम के ये फीचर हैं, तीनों के तीनों प्राइवेसी रिलेटेड फीचर हैं। क्या ये फीचर है और कैसे आप आने वाले टाइम पे इसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे दोस्तों। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो सबसे पहला जो फीचर है दोस्तों, इसको बहुत टाइम से लोग इसको फीचर के लिए वेट कर रहे थे, बट अभी भी ये रोल आउट नहीं हुआ। अभी बीटा वर्जन पे टेस्टिंग पे चल रहा है और उसमें भी कुछ कुछ लोगों को ही अभी दिया गया है, जो कि है ऑनलाइन स्टेटस। दोस्तों आपने देखा होगा यार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सअप पे यूज तो करते हैं, पर वो नहीं चाहते कि यार मैं ऑनलाइन हूं तो किसी को पता चले। वहां पर आप लास्ट दिन तो छुपा सकते थे, बट ऑनलाइन स्टेटस नहीं छुपता था। जब भी अगर आप ऑनलाइन होते थे तो आपको अगर कोई आपके प्रोफाइल में जाके देखता तो दिख जाता था कि ये रिसेंटली ऑनलाइन है। तो इसी से रिलेटेड नया अपडेट है, अब आप अपना ऑनलाइन जो स्टेटस है ना उसको भी छुपा सकते हो, ताकि किसी को पता नहीं चले कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं। जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बता रहा हूँ, ये उन्होंने आज ही ट्वीट करके बताया कि आने वाले टाइम पे ये फीचर को रोल आउट किया जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा जो फीचर है वो भी बहुत ही कमाल का है दोस्तों, बहुत ही कमाल का फीचर है। ये फीचर भी मुझे बहुत पसंद है। ये सब जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे ही रोल आउट होंगे इनके लिए आपको सेपरेट एक वीडियो मिलेगा। दोस्तों होता क्या है, हमें यार बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, या फिर यार ये ग्रुप ऐसे होते हैं जिन लोगों ने हमें जोड़ा हुआ है, या फिर जो जो उन ग्रुप में मेंबर्स हैं हम उनको छोड़ना नहीं चाहते कि यार हम छोड़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा और हमें बोलेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये वाला फीचर है। यहाँ पर अब क्या है दोस्तों, अब आप व्हाट्सएप के ग्रुप को लेफ्ट कर देंगे तो सिर्फ आप उसी को पता लगेगा जो कि ग्रुप एडमिन है, बाकी किसी मेंबर को नहीं पता चलेगा कि आपने ये ग्रुप छोड़ दिया है। ये फीचर भी रोल आउट होने वाला है, जैसा कि मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा के दिखा भी रहा हूँ। ये फीचर भी बहुत अच्छा है। हमें कोई ग्रुप छोड़ना है तो हम सिंपली ऐसा ही करेंगे, साइलेंटली हम छोड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये ग्रुप छोड़ दिया है। ये फीचर भी प्राइवेसी से रिलेटेड है। उसके बाद जो थर्ड फीचर बताने वाला हूँ, ये तो यार बहुत ही काम का फीचर है यार, बहुत ही काम का फीचर। ये फीचर है व्यू वन से। अगर आपको नहीं पता दोस्तों व्यू वन फीचर्स क्या है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्यू वन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा आप ब्रीफिंग दे देता हूँ। व्यू वन में अगर आप कोई फोटो या वीडियो आप कुछ भी भेजते हैं, वो एक टाइम के बाद जैसे ही आपने भेजा वो एक बार देखेगा, उसके बाद वो ऑटो डिलीट हो जाती है। उसमें क्या होता था, लोग स्क्रीनशॉट ले सकते थे, और वीडियो अगर आपने भेजी है तो स्क्रीन कैप भी रिकॉर्ड करके वीडियो को भी शूट कर सकते थे। बट अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, अब आने वाले टाइम पे जो भी आप अगर व्यू वंस में फोटो वीडियो या जो भी चीज़ भेज रहे हो, अब वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट या फिर बोल सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पर ब्लॉक्ड रहेंगी। जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, मतलब कि अगर किसी ने आपको व्यू वंस लगा के कोई फोटो भेजी है, अगर आप उसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, उसमें ब्लॉक करके एरर आ जाएगा। तो ये फीचर भी प्राइवेसी रिलेटेड अच्छा है। हम किसी को कुछ फोटो या वीडियो भेज तो देते हैं, बट वो यार स्क्रीनशॉट लेके तो सेव कर लेता है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अगर स्क्रीनशॉट लेगा तो वो वहाँ पर ले ही नहीं पाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। ये फीचर भी जल्दी रोल आउट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो नए तीन फीचर बताएं, या बोल सकते हैं तीन अपकमिंग फीचर बताएं, ये मार्क जॉकरबर्ग ने खुद ही कमेंट करके या बोल सकते हैं खुद ही ट्वीट करके आज बताए हैं। ये तीन फीचर बहुत जल्दी रोल आउट होंगे और इनके रोल आउट होने पे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रिलेटेड फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, जो भी हो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे ज़रूरी चीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करो यार, ये बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे जाऊंगा, और आगे जाने के बाद और अच्छी अच्छी वीडियोस कैसे लेके आऊंगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना ना भूलें।